लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक तरफ जहां देश में एग्जिट पोल पर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल से अलग एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो परेशान करने वाला है। दरअसल देश भर में मिली आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 33 लोग सहित कम से कम 58 लोगों ने 1 जून 2024 को गर्मी के कारण जो है उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अन्य मौतें बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा मौत उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेवन्ना ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि मृतक होमगार्ड, सफाई कर्मचारी और अन्य मतदान कर्मचारी थे जो दिन भर चलने वाली वोटिंग प्रक्रिया के दौरान ड्यूटी पर थे। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में 15 मतदान कर्मियों की मौत की खबर सामने आई थी। शनिवार को वहीं कुल 108,339 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था। रिन्वा ने आगे कहा कि जिनकी ड्यूटी पर मौत हुई है उन्हें 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया भी चल रही है। रिपोर्ट से पता चला है कि होमगार्ड जैसी पोलिंग ड्यूटी के लिए एक दिन का 500 रुपए का भुगतान किया जाता है। वहीं बिहार में भी चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मौत की खबर है। यहां एक दिन में 14 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, बल्कि 10 अन्य लोगों की भी मौत हुई है। नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि ये संख्या बढ़ सकती है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी एक बयान के अनुसार सबसे अधिक मौतें भोजपुर में हुई है, जहां चुनाव ड्यूटी पर तैनात 5 कर्मियों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। रोहतास में 3, कैमूर और औरंगाबाद में 1-1 की मौत हुई है। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा है कि गर्मी से संबंधित बीमारी के चलते कम से कम 9 और लोगों की मौत हो गई है। वहीं आज इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा अपडेट आया कि 99 लोगों की मौत हुई है। उड़ीसा के विशेष राहत आयुक्त सत्यव्रत साहू ने कहा है कि 15 मई से लू लगने के कारण 96 मौतें हुई हैं। इसके अलावा शुक्रवार को मिर्जापुर और सोनभद्र में चुनाव ड्यूटी पर तैनात 15 कर्मियों की गर्मी से संबंधित बीमारियों के चलते मौत हो गई। मिर्जापुर के संभाग आयुक्त मुथु कुमार स्वामी बी ने कहा कि उनमें से 13, जिनमें 7 होमगार्ड, 3 सफाई कर्मचारी और 1 ओलंपिक कर्मचारी शामिल हैं, इनकी मिर्जापुर में ड्यूटी के दौरान मौत हुई। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हीट वेव से 2 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 1 ओरछा और ग्वालियर में हुई। तो ये था हीट स्ट्रोक का सबसे खतरनाक डेटा जो कि इन राज्यों में पड़ा है, और कम से कम उड़ीसा में 99 लोगों की मौत हो चुकी है और अन्य राज्यों में हमने आपको पूरा डेटा बताया है कि किन किन पोलिंग कर्मियों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ और सिर्फ इस हीट स्ट्रोक की वजह से। तो आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे साथ लगातार बने रहिए मौसम के हर एक अपडेट को जानने के लिए, और देखते रहिए एबीपी लाइव।